नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नॉल्फ में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, समय ना बर्बाद कर हम आपको बताने हैं, आज हम बात करेंगे MI रिमोट कंट्रोल TV, STV, AC और बहुत कुछ। देखिए, आज हम इससे हमें बात करने वाले हैं कि रिमोट कंट्रोल करने के लिए जो MI की जो ये एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल के द्वारा कितना आपके लिए बेस्ट है। इसकी जो 27 MB की इसका फाइल साइज है, 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ये जनरली आपके लिए टेलीविज़न को सेट करने के लिए, AC को ऑपरेट करने के लिए, टेलीविज़न को ऑपरेट करने के लिए, स्टेबलाइजर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जनरली AC में इसमें कई फंक्शन बनाने के एक एप्लीकेशन में जो है TV, STV और ऐसे तीनों यहाँ अवेलेबल है। अगर हम बात करें इस फंक्शन में, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस फंक्शन में, तो यहाँ पर TV, सेटअप बॉक्स, AC, फैन, स्मार्ट बॉक्स, ऑडियो वीडियो रिसीवर, DVD प्लेयर, प्रोजेक्टर, सैटेलाइट TV, कैमरा, लाइट, एयर प्यूरीफायर, वाटर हीटर, सब में जो है वर्क करती है। ये फ़ोन जो है इंफ्रारेड फंक्शन के द्वारा जो है इस एप्लीकेशन को उपयोग करके जो है ऑपरेट करवाती है। इसके अलावा एप्पल का जो स्मार्ट बॉक्स होता है उस पर भी ये वर्क करती है। ये जो इंफ्रारेड फंक्शन के द्वारा इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके AC के टेम्परेचर को भी ये सेट करती है। इसके अलावा ये सैमसंग के टेलीविज़न पे भी जो है वर्क करती है बखूबी रूप से। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो PM एयर प्यूरीफायर में भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। और 3M फैन, मतलब आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आइटम हैं जो कि रिमोट से कंट्रोल होते हैं, उन पर ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये X में एक नामी कंपनी है, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं फ्रेंड्स, ये एक नामी कंपनी है। और ये नामी कंपनी काफ़ी अपनी जो है एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे आपको TV गाइड भी मिल जाती है और ये ऑल इन वन मानेंगे और मेरे अनुसार जो है ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है या टूल है जो आप ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोर्ट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑरिजिन को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नॉलेज इन्फो, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन।